नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर, मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। एक बात बड़े जोड़ों की चर्चा में आई है कि नीतीश कुमार जी क्या भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ रहेंगे या वो दल छोड़कर अलग होंगे। भाजपा के स्पोक्समैन कहते हैं कि तैयारी कर ली गई है, जिसमें शाहनवाज हुसैन की भी बयान आई, तैयारी कर ली गई है और हम सब 20 में चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। इधर जदयू में भी यह चर्चा है कि 20 की चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ और दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। इन सारी बातों के बाद 3 तलाक का मामला आता है और वो विधेयक पास किया जाता है, उसमें जदयू भाजपा से दूर होती है और एक दूसरे में तानातानी और छींटाकशी का सिलसिला प्रारंभ होता है। अब दूसरी बात हो जाती है कि 370 धारा 35A समाप्त किए जाने का विरोध जनता दल यूनाइटेड ने जबरदस्त रूप से किया और करने के बाद दोनों तरफ से तानातानी जब प्रारंभ हुई तो नीतीश कुमार जी ने सारे बातों को विराम लगाते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया नरेंद्र मोदी जी के सामने और दंडवत हो गए कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ू तो मेरी वजूद समाप्त हो जाएगी, मैं आपके बिना चल नहीं सकता। इसके पीछे भी कारण है। ऐसा इसलिए उन्होंने किया कि 370 धारा और 35A को समाप्त करने के फैसले से, केंद्र के इस फैसले पर पूरे भारत के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे भारत के लोगों ने इस फैसले को उचित फैसला बताया और देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर में थी और जागी और देश प्रेम से पहले देश फिर पार्टी की बात सामने आई। देश है तो पार्टी है, देश है तो तरह तरह की पार्टियां होंगी, आज नीतीश है तो कल और कोई होंगे। और नीतीश कुमार के दल के द्वारा विरोध किए जाने के बाद दल के अंदर भी फूट आ गई। बलियावी साहब को संभलने के लिए कह दिया गया, औकात में रहने के लिए कह दिया गया और RCP सिंह कहते हैं बलियावी जैसे MLC ढेर सारे हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम में जो नेता है उन्हें जदयू में तरजीह नहीं दी जाती है, दरकिनार करने की प्रयास की जाती है। और मुस्लिम को रिझाने की जो नीतीश कुमार जी की जो सिस्टम चली थी और जो उन्होंने प्रयास किया था, वह प्रयास एक धोखा और खोखला और वादा झूठा था। नीतीश कुमार जी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास जाकर भी RJD में फूट डालने का प्रयास किया और चर्चा गर्म की गई कि RJD के अब्दुल बारी सिद्दीकी अब जदयू में भाग कर आ रहे हैं। और एक राजद से सस्पेंडेड पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक फातमी साहब जदयू में आ गए तो ऐसा लोगों के अंदर में बातें तैरने लगी पार्टियों में कि अब मुस्लिम मतदाता जदयू में आकर जदयू के हो गए। जबकि यह सब एक मिथ्या है, भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं। जब बलियावी के साथ भेदभाव वाली बात करी जाती है और उन्हें औकात में रहने की बात कही जाती है और कही जाती है कैसे ऐसे MLC बहुत सारे हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जदयू की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जदयू केवल मुस्लिम में चेहरा को रखकर मुस्लिम को छलने का प्रयास करते हैं, यह बात मुस्लिम मतदाता भी समझते हैं। जब यह आभास हो चला नीतीश कुमार जी को, तो नीतीश कुमार जी ने सारे बिंदुओं को झांपते हुए दंडवत होकर आत्मसमर्पण मोदी जी के सामने कर दिए। चूंकि मुस्लिम मतदाता मेरे पास आवेंगे नहीं, मुस्लिम मतदाता समर्पित है राष्ट्रीय जनता दल की ओर और मुस्लिम जो चेहरा है वो भी विरोध में खड़ा हो चुके हैं और विरोध कर रहे हैं, और अगर मैं मोदी जी के साथ न रहूं तो मेरी भी वजूद समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आम लोगों के अंदर में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जागी है और 370 की जो समस्या थी, जो पंडितों के साथ कश्मीर में अन्याय, मुसलमान
के साथ ने किया और कितनों को घर जला, कितनों को भागकर दिल्ली और जहां तहां शरण लेना पड़ा। उन पंडितों की बयान सुनने के बाद, उन पंडितों की बात सामने आने के बाद लोगों के अंदर में और भी देश प्रेम जाग गया कि अन्याय कश्मीर में अल्पसंख्यक मतलब हिंदू जाति के साथ वहां के लोगों ने किया। अगर 370 और 35 से समाप्त किया गया तो उचित काम हुआ, देश एक हुआ, लोग स्वतंत्र हुए, एक झंडा एक संविधान चलने की एक आजादी के बाद शुरुआत हुई। तो इस मुद्दा के सामने आने के बाद नीतीश जी पूर्ण रूपेण भाप गए, समझ गए और उन्होंने पूर्ण रूपेण मोदी जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं एनडीए में हूँ, मैं एनडीए में रहूंगा, आपकी नीति मेरी नीति, आपकी बातें मेरी बातें, आपका फैसला मेरा फैसला, आप जो कहें मैं वही करूंगा, मैं आपके साथ हूँ, आपसे बाहर नहीं रहूंगा। सूत्र बताते हैं कि और भी कई तरह की बातें नीतीश जी ने मोदी जी के प्रति समर्पित होकर कहा, जो बात अब तक सामने नहीं आई, जब आवेगी तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। या तो राजनीतिक खेल है, जनता सब जानती है, जनता मालिक है, जनता के हाथ में भी सब है। दोस्तों, आपने मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल चैनल बाय BNY खबरी खबर को लगातार देख रहे हैं, आपका स्नेह प्रेम मुझे बराबर प्राप्त हो रहा है। मैं धन्य हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार प्रेम और मोहब्बत दे रहे हैं। इसी प्रकार आपका प्रेम प्यार मोहब्बत मुझे मिलता रहे, मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करें, वीडियो को कमेंट लिखें और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।